हेलो गाइस, आई एम फ्रॉम अजीका। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। सो लेट्स स्टार्ट। आज का एजेंडा क्या है? एडवांटेजेस देखेंगे हम डीबीएमएस के क्या क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस देखेंगे डीबीएमएस के क्या क्या होते हैं। सो पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं कि नंबर वन पर आता है सेग्रीगेशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। सेग्रीगेशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम का मतलब होता है कि वो एप्लीकेशन प्रोग्राम से अलग कर देता है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके आप डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं, तो वो बैकएंड पे काम कर रही होती है कोई ना कोई MySQL सर्वर से या MySQL से या Oracle से, तो वो अलग कर देता है एप्लीकेशन प्रोग्राम से। तो वो उसकी सिक्योरिटी का लेवल अलग हो जाता है और आपके प्रोग्राम की सिक्योरिटी वो तो है ही, यानी कि पहले कोई आपके प्रोग्राम को तोड़े फिर उसकी डेटाबेस की सिक्योरिटी को तोड़े जब जाकर वो उसमें मतलब उसमें एंटर हो पाता है, इस वजह से ये सेग्रीगेशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम उसको अलग कर देता है। नंबर टू पर आता है मिनिमल डेटा डुप्लीसी एंड डेटा रिडंडेंसी। जो डीबीएमएस हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है या सॉफ्टवेयर जो हमें प्रोवाइड करता है वो क्या करता है, डेटा की डुप्लीसिटी नहीं करता, उसको मिनिमाइज़ कर देता है बहुत ज़्यादा। और डेटा रिडंडेंसी यानी कि डेटा की डुप्लीसिटी यानी कि डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा, उसकी कॉपीज नहीं बनेंगी या किसी तरह से वो आपकी मेमोरी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। थर्ड वन इज़ ईजी रिट्रीवल ऑफ डेटा यूजिंग द क्यूरी लैंग्वेज, यानी कि डेटा को आप ईजी रिट्रीव कर सकते हो, फेच कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो जो डेटा आपको देखना है यूजिंग क्यूरी लैंग्वेज। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी क्यूरी लैंग्वेज, डेटा बेस एक्सेस लैंग्वेज में हमने बात की थी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, वो आप कमांड लिख के ईजीली रिट्रीव कर सकते हो। रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड मेंटेनेंस नीड, आपको पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास फाइलिंग है हैंडलिंग, उसके लिए हम लॉट्स ऑफ लाइंस का कोड लिखना पड़ता है डेटाबेस, वो भी सिक्योर नहीं होती, उसको अगर इंक्रिप्ट करना चाहेंगे तो वो और लंबा कोड जाता है। इसलिए हमें क्या करता है, रिड्यूस हमारा डेवलपमेंट टाइम कम कराए, क्योंकि ऑटो जनरेट सारे इन्वायरमेंट दे रहा है, हम पासवर्ड दे रहा है, सारी की सारी चीज़ें दे रहा है, तो हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के अंदर ये बहुत ज़्यादा टाइम को मतलब कम कर रहा है, यानी कि रिड्यूस कर रहा है और मेंटेन कर रहा है, मेंटेनेंस नीड भी कर रहा है पूरी हमारी। विथ क्लाउड डेटा सेंटर नेक्स्ट इज विथ क्लाउड डेटा सेंटर वी नाउ हैव डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैपेबल फॉर स्टोरिंग ऑलमोस्ट इनफिनाइट डेटा। हमारे पास जो क्लाउड के डेटा सेंटर हैं वो अब क्या करते हैं कि हमारे पास इतने कैपेबल हो गए कि हम इनफिनाइट ऑफ डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं, कि आप अगर उनको अकाउंट्स करेंगे तो लॉट्स ऑफ, मैं आपको मिसाल दूँ जी ड्राइव की, वो 15 GB तक आपको फ्री देते हैं, आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब जितनी भी जीमेल से आई डी है वो 15 GB तक उसमें आराम से डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आप उनसे परचेज़ करते हैं कोई सर्विस तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ दिस सर्विस पे, आप कौन सी इन्फिनिट ऑफ डेटा उनके क्लाउड सेंटर पे स्टोर कर सकते हैं। दी नेक्स्ट इज सीमलेस इंटीग्रेशन इनटू एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच मेक इट ईजियर टू ऐड अ डेटाबेस टू ऑलमोस्ट एनी एप्लीकेशन और वेब। ये क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है आपके सॉफ्टवेयर के साथ, आपके प्रोग्राम को, आपके सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपकी डेटाबेस होती है उसके साथ, और ये ईजियर होता है डेटाबेस को ऐड करना ऑलमोस्ट एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों के अंदर। आप किसी भी वेबसाइट को या अपने सॉफ्टवेयर को आराम से इंटीग्रेट करवा सकते हैं, कनेक्टेड करवा सकते हैं, कनेक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं ईजीली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, जाहिर है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, जितना ज़्यादा हम उसमें डेटा डालेंगे, जितनी टेबल्स बनाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स ही होता जाएगा हमारे लिए, और आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इसमें गौर फिक्र करने की ज़रूरत पड़ेगी। द नेक्स्ट इज एक्सेप्ट MySQL विच इज ओपन सोर्स लाइसेंस DBMS आर जनरली कॉस्टली, यानी कि हमारे पास जो MySQL है वो ओपन सोर्स है, उसका लाइसेंस बहुत कॉस्टली पड़ता है हमें, उसे हमें जब उसको लाइसेंस परचेस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है हमें। दे आर लार्ज इन साइज, ये साइज़ में भी बहुत लार्ज होते हैं, यानी कि अब डेटा डेली तौर पर स्टोर हो रहा है, फॉर सपोज एक दिन में डेटा अगर स्टोर कर रहे हैं हम 100 MB का, तो वो महीने में कितना हो गया 3000 MB, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 GB का, और अगर हम 3 GB का सिर्फ महीने में स्टोर कर रहे हैं तो साल में कितना हो जाएगा हमारे पास, फिर साल में होगा, फिर 5 साल में कितना हो जाएगा, तो इस साइज़ में हमारे पास बढ़ता जाएगा और हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी उस हिसाब से बढ़ती जाएंगी, इसलिए ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो ये थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। आई होप आपको समझ आए हों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।